जय हिंद दोस्तों, जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो संस्थापक हैं F.N. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम है और शॉर्ट में इनको F.N. सूजा के नाम से जाना जाता है। इनका जो समय है 1924 से लेके 2002 ईस्वी के बीच, फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप PAG, जिसे पैग के नाम से भी जाना जाता है, उसके संस्थापक हैं और उसके सचिव के रूप में भी जाने जाते हैं। फ्रांसिस न्यूटन सूजा एक महत्वपूर्ण कलाकार हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांसिस न्यूटन सूजा का एक फोटोग्राफ है ये। F.N. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, इनका जो समय है 1924 से लेकर 2002 के बीच। F.N. सूजा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924 में इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? गोवा में। पैग कलाकार समूह के संस्थापक कौन थे? तो आप ये ध्यान रखिएगा, PAG ये पूछा जा रहा है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। कलाकार समूह के संस्थापक कौन है? F.N. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। F.N. सूजा की आत्मकथा वर्ड्स एंड लाइंस कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1959 में। ये वर्ड्स एंड लाइंस जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा की आत्मकथा है और ये 1959 में प्रकाशित की गई। पैग कलाकार समूह के किस कलाकार ने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट तकनीक का प्रयोग किया? काफी इंपॉर्टेंट है ये। F.N. सूजा ने ब्लैक आर्ट तकनीक। गोवा के ग्रामीण व मुंबई के शहरी जीवन का चित्रण किस कलाकार ने किया है? F.N. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। पैग कलाकार समूह का पहला घोषणा पत्र किसने लिखा? F.N. सूजा ने। पहला जो घोषणा पत्र था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का किसने लिखा था? फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने। F.N. सूजा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे है? मुंबई में, वहाँ से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। सूजा के आरंभिक चित्र पर किन पश्चिमी कलाकारों की कला का प्रभाव पड़ा? थिएगो रिवेरा और जोज और जोको, इन दोनों कलाकारों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा, जो कि पश्चिमी कलाकार थे। पैग का एक ऐसा कलाकार जिसका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, तो कौन थे? F.N. सूजा, इनका जो जन्म है रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। F.N. सूजा की कर्मस्थली कहाँ रही? मुंबई। सूजा ने गोथिक शैली से प्रभावित होकर किस प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया? आदम और ईव का स्वर्ग से बहिष्कार, इन्होंने एक प्रसिद्ध ये चित्र का निर्माण किया था। स्वतंत्रता के बाद वाली पीढ़ी का एकमात्र भारतीय कलाकार जिसे पश्चिमी देशों में पहचान मिली, किसको मिली थी? F.N. सूजा को। चित्रकार F.N. सूजा की आत्मकथा का क्या नाम है? वर्ड्स एंड लाइन्स, हमने आपको ये बताया था 1959 में ये प्रकाशित की गई थी। किस कला समीक्षक ने सूजा के चित्रों की काफ़ी प्रशंसा की थी? जॉन बर्गर ने। पैग कलाकार समूह का एक ऐसा कलाकार जिसने 3 बार विवाह किया, किसने किया था? F.N. सूजा, इनका 3 बार विवाह हुआ था। F.N. सूजा के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी थी? 1948 में बर्लिंगटन हाउस लंदन में इनकी पहली प्रदर्शनी लगी। किसके प्रयासों से वर्ष 1948 में पैग की स्थापना हुई? F.N. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने 1948 में पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। F.N. सूजा किस लिए जाने जाते हैं? ये नग्न आकृतियों या न्यूड फिगर के लिए जाने जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नग्न आकृतियों के लिए कौन जाना जाता है? F.N. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला दार्शनिक और प्रेमी किसने चित्रित की? F.N. सूजा ने। सूजा JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कब प्रवेश लिए थे? तो 1940 में।
किस कलाकार ने एक कैटलॉग में स्वयं को शैतान और दादावादियों का उत्तराधिकारी कहकर पुकारा था? किसने कहा था? एफएन सूजा। पैघ कलाकार समूह के महासचिव कौन थे? एफएन सूजा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के महासचिव भी थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ब्लैक आर्ट तकनीक क्या है? संपूर्ण चित्र को काले रंग से पोत दिया जाता है व कहीं कहीं गाढ़े रंग के उभरे किनारों में चमकते प्रकाश में आकृतियों का आभास किया जाता है। तो इसके आविष्कार कौन है? एफएन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ब्लैक आर्ट तकनीक। पैग कलाकार समूह का वह कलाकार जो चेचक रोग से ग्रसित था, तो कौन थे? एफएन सूजा। सूजा की वह प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी जो क्रिस्टी पैलेस न्यूयॉर्क की नीलामी में 11.3 करोड़ में बिकी थी? तो बर्थ, 2005 में इन्होंने जो बनाई थी। सूजा की वह प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी जिसे वर्ष 2005 में अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने खरीदा था? तो बर्थ, ये जो चित्र है इसको खरीदा था। एफ एन सूजा की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी? 2002 ईस्वी में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला दार्शनिक और प्रेमी नाम का इन्होंने एक चित्र श्रृंखला बनाया था। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, बर्थ जो कि 2005 में इन्होंने बनाया है, मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ 1957 में बनाया है, नारी और दार्शनिक, लास्ट सपर बहुत ही फेमस है, कैनवास पर तैल रंग में बनाया 1989 में, ब्लू लेडी नीली औरत, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, लॉस रैम्बल बर्सिलोना, ये कैनवास पर तैल रंग से बना है 1961 में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में यह सुरक्षित है, इरोसस किलिंग थैनाटोस, ये कैनवास पर तैल रंग में बना है 1984 में। इनके कुछ चित्रों को मैं आप दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये चित्रों को बनाए हुए हैं। ये एक चित्र आप देखिए, द डिपोजिशन, ये देखिए इस चित्र का नाम है द डिपोजिशन। एक और चित्र आप यहां पे देखिए, मैन विथ मैंस टोरेंस, मैन विथ मैंस टोरेंस, देखिए इस चित्र का नाम है। अगला चित्र हम लोग देखते हैं, एम्स्टर्डम लैंडस्केप इन्होंने बनाया है, एम्स्टर्डम लैंडस्केप। एक और चित्र यहां पे देखिए, द रेड रोड, लाल रास्ता, ये फ्रांसिस न्यूटन का चित्र है। स्टिल लाइफ के लिए भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा जाने जाते हैं, स्थिर चित्रण देखिए, ये स्टिल लाइफ है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा द्वारा बनाया गया है। यहां पे एक और चित्र है, द क्रूसिफिक्शन, ये ऑरेंज हेड, ये ऑरेंज हेड बनाया गया है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा द्वारा ये 1924 से 2002 के बीच इनका जो समय रहा है, इसमें ये इन्होंने स्टिल लाइफ ये बनाया है 1958 में आयरलैंड बोर्ड पे, स्टिल लाइफ। एक और चित्र यहां पे है जो कि मैन प्रॉफिट इन न्यूयॉर्क 1961 में इन्होंने बनाया है ये चित्र। एक और चित्र यहां पे है, अनटाइटल, शीर्षक विहीन है, लैंडस्केप विद हाउसेस। यहां पे एक और चित्र आप देखिए, अनटाइटल, ये भी रोमन लैंडस्केप इन्होंने बनाया है, न्यूड विद गार्टर्स, अनटाइटल, न्यूड विद गार्टर्स। एक और चित्र यहां पे देखिए, न्यूड फिगर के लिए न्यूटन सूजा जाने जाते हैं और स्टिल लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं, अनटाइटल है, रिक्लाइन न्यूड इन्होंने बनाया है, स्टिल लाइफ विथ स्कल, खोपड़ी के साथ इन्होंने एक स्टिल लाइफ बनाया है। एक और चित्र यहां पे देखिए, आफ्टर हीरोसिज द वेव नाम से इन्होंने एक पेंटिंग बनाया है, ग्वाच ऑन पेपर पे है, लैंडस्केप विथ सन ऑयल ऑन पेपर पे ये बनाया गया है।
एक और चित्र यहाँ पे है, आप देखिए। काफी फेमस चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। द बर्थ नामक इनका जो चित्र है बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों इस तरह से हमने फ्रांसिस न्यूटन सूजा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने बताया है। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।